मोमेंट मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउट विच द मोमेंट आई इज रिक्वायर्ड एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. मोमेंट ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पॉइंट से. एम इक्वल टू पी इंटू एल. एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अबाउट विच द मोमेंट इज रिक्वायर्ड एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फॉर अ सिंगल पार्टिकल द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए उसका फॉर्मूला है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर. एम इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल. एम ए मास है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर में और आर रोटेशनल रेडियस है. एस एम यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट क्वान्टिटीज. मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये अलग होती है, डिफरेंट क्वान्टिटीज होती है. इट डिपेंड्स ऑन बोथ क्वान्टिटी ऑफ मैटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आर स्क्वायर टर्म. अगले डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में दिखाया गया है और दो रोटेशन हुए या फर्स्ट में आर रेडियस आर वन रेडियस ली गई है और सेकंड में आर ली गई है. उसमें मास एम दिखाया गया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा रहा है. सेकंड वन इज व्हाट इज टॉर्क और मोमेंट. टॉर्क मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस. व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चार्ज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड इज यूजली डिनोट बाई ग्रीक लेटर अल्फा. एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से दिखाया जाता है. ये रेट ऑफ चार्ज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को दिखाती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास. फॉर कंपोजिट पार्टिकल द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम इज द मास ऑफ आइथ पार्टिकल और आर रोटेशनल रेडियस ऑफ आइथ पार्टिकल. SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डेल एम से दिखाया जाता है और उसे हम डेल एम से भी लिख सकते हैं. विथ स्मॉल वॉल्यूम सेगमेंट अजम्पशन आई इक्वल टू पी आर डी वी. रो इज कॉन्स्टेंट. The integral can be evaluated with known geometry, otherwise its variation with position must be known. Kinetics of particle. Kinetics is the study of motion in relation to forces. Introduction of kinetics of particle. According to Newton's second law, a particle will accelerate when it is subjected to unbalanced forces. Kinetics is the study of the relation between unbalanced forces and resulting change in motion. Kinetics हमें पार्टिकल के बारे में बताता है, जैसे वो अनबैलेंस फोर्सेस दिखाता है. काइनेटिक्स का रिलेशन अनबैलेंस फोर्स से है, रिजल्टिंग उसका मोशन चेंज होता है. मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टिकल काइनेटिक्स. The topics of kinetics of particle, application of Newton's second law of motion and equation of motion. Application of Newton's second law. Newton's ka second law batata hai ki what a force is applied on a body of mass m, there is charge in velocity with respect to time and change in velocity means acceleration product in body. Jab hum kisi body ko force lagate hai to wo aage jati hai. Yahi isme bataya gaya hai Newton's second law of motion mein. Acceleration of an object dependent on its mass and size and direction on the force acting on it. The more mass, the harder it to accelerate. The bigger the force and more the object acceleration. इसमें बताया गया है कि जो ज़्यादा हार्ड सामान होता है उसको ज़्यादा एनर्जी लगती है, फोर्स लगता है उसे आगे ढकलने के लिए. Equation of moment. इसमें इस न्यूमेरिकल में 50 केजी का एक सेल है और शेप इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट. उसकी हाइट 1000 मीटर से उसे फेंका गया है ऊपर से
अंडर फ्री ग्रेविटी सिंक्स इनटू द ग्राउंड, वो जमीन पे गिरा है, उसकी वी वन इज जीरो, मास इज 50 ग्राम, एस इज 1 मीटर। यूजिंग हम सेकेंड लॉ उसमें डालेंगे तो वो उसमें हम सेकेंड लॉ डालेंगे उसका बाय यूजिंग सेकेंड लॉ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2 × 9.8 × 1000 इक्वल टू वी 2 - 0 न्यूटन। उसमें 2 GH इक्वल टू 2V 2 - 2 ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है। वी वन हमारा 140 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड द यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी वेलोसिटी फाइनल इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल प्लस GT। हमारी वेलोसिटी फाइनल की है 140 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इनिशियल इज 0 प्लस जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी, टी इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 9.8 इक्वल टू 14.3 सेकेंड। टी की वैल्यू अब हो गई 14.3 सेकेंड। फॉर पेनिट्रेटिंग इनटू ग्राउंड, फॉर ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ 140 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी, इन ग्राउंड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमारी वेलोसिटी ऑफ इनिशियल इज 140 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ फाइनल इज 0 सेकेंड कंडीशन के लिए, एस इज 1 मीटर। ए नाउ फाइंड इट यूजिंग इक्वेशन मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ इनिशियल, 2 × a और s 1 दिया गया है और वेलोसिटी ऑफ फाइनल इज 0, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल इज 140 × 2। नाउ ये हमें मिला है 9 - 9800 मीटर पर सेकेंड हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू।